Hey guys, this is Rhythm Shrastav, MBA student of GSVM Medical College, Kanpur. So guys, as you all know ki aaj Ramesh Pokhriyal ji live aaye the for a webinar. There he said ki NEET 2021 bhi aapka reduced syllabus pe hoga, jo revised syllabus inhone bataya tha for board exams as well as for JEE. Waisa hi same hoga NEET ke saath bhi. तो अब इससे क्या आपको आउटकम निकालनी है? तो पहली चीज देखो यार, अभी ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं आया है. ऑफिशियल वर्डिक्ट तब आएगा कि जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में जल्दी ही मतलब ऐसा होने वाला है कि रमेश पोखरियाल जी लाइव आने वाले हैं और नीट की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस करने वाले हैं. तो उसी दिन आपको ये रहेगा कि होपफुली आपको उसी दिन ये ऑफिशियल वर्डिक्ट भी मिल जाएगा कि नीट का रिड्यूस सिलेबस के बारे में. अब मेरे तरफ से आपको क्या एक सजेशन है, पहली चीज यार अभी क्या होगा इसके ऊपर कई न्यूज आर्टिकल्स आएंगे जो कि मॉफ्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा मिसलेडेड मिसगाइडेड हो सकते हैं. तो पहली चीज आपको क्या करना है, आपको स्टिक करना है कि आपको न्यूज पता चल गई कि क्या है. ठीक है, अब आपको जानना है कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है रिड्यूस ओवरऑल. ठीक है, तो आप पहली बात कोई भी और सोर्स पे बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ क्या रिड्यूस सिलेबस था, क्या डिलीटेड पार्ट था, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ. ठीक है, बताता हूँ भी कैसे देखना है. तो पहली चीज आपको क्या करना है, आप कोई भी और आर्टिकल इस चीज के ऊपर नहीं देखना है. आपको आपको पता चल गया न्यूज की, हाँ यार रिड्यूस सिलेबस हो गया. दूसरी चीज आपको क्या करना है, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अपना पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो पहले जो रिड्यूस सिलेबस है, जो रिवाइज सिलेबस है, उससे पहले कंप्लीट कर लो, देन आप वो डिलीटेड पार्ट भी कंप्लीट कर लेना. तो आप कहोगे डिलीटेड पार्ट क्यों कंप्लीट करें, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि यार कुछ चीज की गारंटी नहीं होती है. मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार कई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस कि लाइक जैसे अपने सिलेबस में फ्रॉग नहीं है. ठीक है, मगर आप देखोगे उठा के शायद 2018 का पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे फ्रॉग का क्वेश्चन पूछा था, 2017 में भी फ्रॉग का क्वेश्चन पूछा था, वो ये बोल के कि एम्फीबिया का पार्ट है. तो सम हाउ देखो यार क्वेश्चन आ जाएंगे, रिलेट करके आ जाएंगे और आ जाएंगे, आप पेपर में बैठे रहोगे तो आप वहां पे चिल्लाने लगोगे क्या कि ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं था. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टू. सो आप तैयारी पहली बात, आप कितना भी रिड्यूस कर दें, कुछ भी रिड्यूस कर दें, आप प्रिपेयर पूरे के लिए करोगे. दूसरी चीज, हाँ ये जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, ये आपको करना है. उसके बाद फाइनल मेरा क्या कहना है कि हाँ क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है, इसके लिए आप देखो यार तुम मेरा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल की. ठीक है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे आओ, सर्च करो रिदम श्रीवास्तव, RHYTHM स्पेस SRIVASTAVA, वहां पे आप मेरा चैनल देखोगे. ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मैं डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का वहां पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ. आप वहां पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ था फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर जेई. ठीक है, तो ये ऑफिशियल वर्डिक्ट है, मतलब अभी ऑफिशियल वर्डिक्ट आना बाकी है. ये आज की ओवरऑल आउटकम है या ओवरऑल आज का कंक्लूजन है. अब कहीं भटकना मत, प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना मत, प्लीज सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो यार. अभी ये सब चीज पे इन्वॉल्व मत हो. ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर जैसे कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट आएगा आई विल कंक्लूड इट इन अ वेरी स्मॉल वीडियो. ठीक है, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, सो गाइस यार तुम लोगों में से जो को भी यार नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए अपकमिंग बैचेस, मैं तुमको बता रहा हूँ क्या नीट 2021 या 2022 या 2023 को टारगेट कर रहा हूँ, तो आपके लिए क्या अपकमिंग बैचेस अवेलेबल है अन अकेडमी पे. अगर बात करें 2021 के लिए तो आपके लिए एक प्रारंभ बैच आया हुआ है जो कि 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. फैकल्टी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन है. ठीक है, अभ्यास बैच जो कि नीट 2021 के लिए डेडिकेटेड है 15 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. आप देख सकते हो अगेन वेल नोन टॉप एजुकेटर्स. उसके बाद बात करें अगर आपको रिवीजन बैच या एक क्रैश कोर्स टाइप का बैच चाहिए विद वाइब्रेंट एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन के साथ, ये बैच है, ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. ओके, अगर बात करते हैं 2022 की तो 2022 के लिए उड़ान बैच आया है जो कि 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. अर्ली राइज बैच आया है जो कि 15 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. फैकल्टी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. अगर 2023 की बात करें तो अरमान बैच आया है जो कि 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यार, बहुत ईजी, ऐप पे जाओगे आप, गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आप अपने हिसाब से प्लान सजेस्ट करोगे, आपको जो आपको सही लगेगा आप अपना प्लान सेलेक्ट करोगे. उसके बाद आप क्या करोगे, रिदम SVT आपको कोड यूज करना है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपका 10% अप्लाई हो करके आप डायरेक्टली उस पेज पे खुलोगे जहां पे आपको डायरेक्टली अपना प्लान चूज करना है और आप फर्दर नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाओगे. सो अपने हिसाब से प्लस या आइकोनिक जो भी आप प्लान लेना चाहते हो आप ले सकते हो. ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट.